अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम आपकी रोशनी है राणा। क्या ये आवाज तो टीवी से आ रही है? हमें इन दोनों पर शक तो भर भर के है, पर अभी तो ये टीवी ऑन करके न्यूज़पेपर और मोबाइल में बिजी हैं। हम टीवी बंद कर देते हैं, पर टीवी का रिमोट कहाँ है? ये देखिए ना, ये साड़ी कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी है। दिला दीजिए ना हमको। हाँ दिलाएंगे, पर ये देखो, रोड की दुर्घटना में 4 लोग मृत्यु मर गए, अब ये भूत बनेंगे, है ना? कमाल, बेचारे सब मरेंगे और भूत बनेंगे, देख लो। जब तक हमारे और राणा के बीच आने वाले शख्स को हम ढूंढ नहीं लेते, तब तक हमें आराम नहीं आएगा। हर हर कंघे और समझती अपने आप को मधुबाला, इसको कुछ करना ही पड़ेगा। कल रात मीठी को कितना बुरा लगा होगा। माँ, हमने आपको कहा था ना कि राणा को किसी से खतरा है। वो भूत चुड़ैल वाला प्लान भी उसी शख्स का होगा। क्या? ताकि राणा हमसे दूर हो जाए और वो राणा को नुकसान पहुंचा पाए। हे माता रानी, मुझे तो ख्याल भी नहीं आया कि ऐसा कुछ। मीठी, अब हम क्या करेंगे? बड़ी मालकिन हमसे बहुत नाराज है ना। ऐसा ना हो कि हमें घर से निकाल दे। अगर ऐसा हुआ तो वो राणा का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगी। राणा की सेफ्टी के लिए हमें उनके आसपास रहना बहुत जरूरी है माँ। हम उस दुश्मन को ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि राणा से दूर करके हमें घर से बाहर ना करें इन्हें। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे जीते जी। तुझे इस घर से कोई नहीं निकल पाएगा। तू जा, मैं खाना बना लूंगी। मालकिन, तुझे आटा खत्म हो गया। ऐसे कैसे? कल रात तक तो पूरा भरा हुआ था। एक काम कर, स्टोर रूम से जाकर लेकर आ। क्योंकि राणा के दुश्मन ने कल रात सारा आटा हमारे ऊपर गिरा दिया, पर आप उसे ढूंढे कैसे? मीठे, जा बेटा, अपना राणा का ख्याल रखना। हाँ, हाँ।
सुरेश भैया, हमें ये किचन के बाहर की कल रात की फुटेज चेक करनी है। थोड़ा फॉरवर्ड कीजिएगा। थोड़ा ये इस वाले को थोड़ा जूम इन करिए। ये किसका चेहरा है? कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा और जूम इन करिए ना। आज सच बाहर आते आते रह गया। हमें देर हो गई। इससे पहले कि हम लाल रंग की नील पेंट से सच का पता लगा पाते, बेबी ने सबको काले रंग की नील पेंट लगा दी। अणा को जिससे खतरा है वो हमसे डर रहा है। उस इंसान तक पहुंचते पहुंचते रह गए हम। इससे पहले कि दुश्मन अपनी अगली चाल चले, हमें कुछ करना होगा गंगा मैया। राणा नहीं नहीं। राणा देखिए, हमसे डर क्यों रहे हैं? राणा नहीं, प्लीज मत डरे। हमसे दूर जाओ, हमसे दूर। हम कह रहे हैं हमसे दूर जाओ। मिट्टी की हालत देखकर मजा आ रहा है ना, है मधुबला? हम दूर जा रहे हैं। राणा, भोलेनाथ ने आपको पूरे कानपुर के हिस्से की हिम्मत दी है, प्लीज उसे काम पे लगाइए। से हम पर कमला गिराए। अनुभला, किसी ने हमें देख तो नहीं लिया? भगवान भला करे, मुझे तो नहीं लगता। चले। क्या फिर से कमला गिराए मामा मामी हम पर? क्या चल रहा है ये सब? राणा, राणा, उठ बेटा, तू ठीक है? हाँ, ठीक है बेटा, हाँ, ठीक है ना? माँ साहब, देख लीजिए इस लड़की को, हमारे राणा के पीछे पड़ गई है। चैन से जीने देगी कि नहीं राणा को? माँ साहब, आप ही समझाइए इस लड़की को। तमीज लड़की, नहीं क्या समझती अपने आप को? यानी हमारा शक सही था, मामा मामी ही राणा से दुश्मनी मानते हैं। राणा पर कमला, अपने आप नहीं, मामा जी और मामी जी ने गिराया था। क्या बोल रही है तू? मामा जी और मामी जी राणा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या बकवास कर रही है ये? झूठ बोल रही है लड़की, झूठ। हमारे पास फुटेज है मामा जी। कैसी फुटेज? कैसी फुटेज? जो मुंह में आए उसको भग देगी। और तेरे को ऐसा लगता है कि ये संकुश हम लोग यकीन कर लेंगे?
थाली को लाया और हमारे पास रखा था ताकि वो आटे की थाली हम पर गिरे और राणा हमें लेकर बैठ जाए। और वैसे हुआ, राणा हमें देखकर डर गए। उस फुटेज में आप दोनों के चेहरे साफ साफ तो नहीं दिख रहे। नहीं दिखे, बात यही खत्म हो गई। नहीं दिखे तो किस सबूत पर, किस बुनियाद पर तू हम लोग पर इल्जाम लगा रही है? चेहरे साफ नहीं दिख रहे, लेकिन मामे जी की नेल पेंट दिख रही है जो उस वक्त लाल रंग की थी, इसलिए आज उन्होंने काले रंग की नेल पेंट लगा ली। मामी ने आज सुबह तक तो चेरी रेड कलर की नेल पेंट लगा रखी थी। मम्मा, मैंने ही लगा के दी थी। आप दोनों पर शक तो हमें पहले से ही था, पर गंगा मैया के आशीर्वाद से आज हमें सबूत भी मिल गया। माँ साहब, कि आप सबको भड़काने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। पापा, शादी के दिन जो हादसा हुआ था वो हादसा नहीं था। इन दोनों ने राणा के ऊपर गमला फेंका था ताकि अब राणा तो कुछ हो जाए। जलती है हमसे, जलती है मां साहब। हमारे घर में हमारे बेटे और बहू पे इल्जाम लगा रही है तू। सच कह रहे हैं माँ सर, तुझे तो हम मामा और मामी थे हीरोइन। रोशनी सच कह रही है, उस दिन फेरे लेते वक्त बड़ा सा गमला दरा के मारा। और हम जब बेहोश होने ही वाले थे अपने ऊपर मामा मामी को देखा, ये दोनों ही थे। वो भी सब याद आ गया है रोहित, मामा मामी थे ऊपर। चुप हो जाओ राणा। हम अपने पति की तस्वीर नहीं सह सकते हैं बड़ी बात। सॉरी, हम सब यही थे, पर किसी को आइडिया भी नहीं हुआ कि अपने ही फैमिली मेंबर्स राणा के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं।
राणा हांजा है आपका कैलाश भाई। क्यों किया ऐसा आपने? क्या बिगाड़ा था मेरा बेटा ने आपका? नहीं सुपन, ये लोग गलत नहीं है। मुझे पता है कि कोई साथ दे ना दे, लेकिन कोई भी मां जो है अपने बेटे का साथ कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं। गलत तो ये युग है, कलयुग। जिसमें मामा अपने ही भांजे का दुश्मन बनता है और एक माँ अपने ही बेटे को जेल भेज रही है। अभी पुलिस बुलवाते हैं। मां साहब, नहीं अम्मा, क्यों सुमन? इस बार दोनों को हम माफ नहीं कर सकते। तुम कर सकती हो? नहीं, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं एक मां हूं। लेकिन एक बहन भी हूं मैं। इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं रिश्तों की मर्यादा को नहीं टूटने दूंगी। मैं इन्हें जेल नहीं भेज पाऊंगी। शर्म करो, और थोड़ी भी शर्म बची हो ना तो अपनी बहन के पांव धोकर पियो। तू गलत नहीं था, पर किलो गलत हम थे। हमारे ही संस्कार में कोई कमी रह गई। तुझी गलती, हमने हमेशा मीठी को गलत समझा और उसको अनाप शनाप बोला। पर गलत मीठी नहीं, तुम दोनों गलत हो, सरासर गलत। अपना मुंह मत दिखाना हमें। बहुत दूर है मामा। इन दोनों
ने हमारे राणा को नुकसान पहुंचाया, उसे मारने की कोशिश की, और अब उसकी चोट की वजह से मनु यहां जमी बैठी है उसकी देखभाल करने। हम इन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। रोशनी भूतनी है। भूत 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 एक बार फिर से राणा जी पर आया हुआ खतरा टल गया तुम्हारी वजह से। उन्हें बचाने की आदत हो गई है ना? आदत नहीं माँ, फर्ज है, प्यार है।